औरंगाबाद के आरएसएस स्वयंसेवक अवधूत जोशी और मंगला जोशी, इनके द्वारा स्वयंसेवकों के लिए सरकार से पेंशन की मांग करना पूर्ण रूप से अनुचित है, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन बोन इन्होंने दी है। इस मौके पर आरएसएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। उस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संगठन पर पाबंदी लगाई गई थी और पाबंदी लगने के बाद आरएसएस के प्रमुख बाला साहेब देवरस के आदेश पर स्वयंसेवकों ने पाबंदी का विरोध करते हुए सरकारी नियम के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसके चलते इन पर मीसा कानून के तहत गुनाह दर्ज करके उन्हें जेल में डाला गया था, जो अपने आप में देशद्रोह का मामला है। उस समय जेल में बंद इन स्वयंसेवकों में ये भी शामिल है। उसके पश्चात 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री जो चुनावी कार्यक्रम के तहत इन स्वयंसेवकों से मिले, तो इन स्वयंसेवकों ने उनसे मांग की कि जिस तरह भारत की आजादी में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है, उसी तरह आपातकाल में बंदी बनाए गए लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। इन लोगों की मांग को उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तथा वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग को सरकार आने पर विचार किया जाएगा, परंतु देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बावजूद अभी तक इनकी ये मांग पूरी नहीं होने से वे बेहद आहत है, और यदि उनकी ये मांग 15 अक्टूबर 2021 तक पूरी नहीं होती है तो वह रेशिम बाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिसर में दोनों आत्मदाह करेंगे, इस तरह का वक्तव्य पत्रकार परिषद में दिया। वर्तमान में अपंजीकृत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संगठन के प्रमुख मोहन भागवत को केंद्र सरकार द्वारा जेड प्लस सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। साथ ही एमटी देवरस की निजी इमारत जिसे संघ मुख्यालय का नाम दिया गया है, उसे भी सीआईएफएस सुरक्षा प्रदान की गई है। जो जनता की गाड़ी पसीने की कमाई जो कि कर के रूप में जनता से वसूली जा रही है, उस पैसे से इन लोगों को सुरक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है। और अब इन जोशी दंपति का इस तरह औरंगाबाद से नागपुर आकर पत्रकार परिषद आयोजित करके पेंशन की मांग करना, इससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री जल्द ही पेंशन लागू करने का षड्यंत्र रचे है। जो पेंशन दी जाएगी वो भी भारत की गौर गरीब जनता की मेहनत की कमाई से ही जाएगा और इसका खामियाजा गरीब जनता को चुकाना पड़ेगा। जोशी दंपति ने जो मांग की है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पेंशन दी जाती है वैसे ही हमको भी लागू किया जाए, ये मांग अनुचित है क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन फर्जी आरएसएस का कोई भी प्रकार का योगदान नहीं रहा है। अगर 15 अक्टूबर 2021 के पहले केंद्र सरकार उनको पेंशन लागू करती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आंदोलन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन बोन हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है स्वयंसेवकों को पेंशन के बारे में। जनार्दन जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ यहाँ पे लोग आए थे जिन्होंने 15 अक्टूबर को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है, यदि स्वयंसेवकों को जो मीसा में जो बंदीवान थे अगर उन्हें पेंशन नहीं दी गई, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हम इसीलिए ये बोल रहे हैं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून और पूरे कार्यकारी मंडल आज पत्र परिषद में हम जाहिर कर रहे हैं, वो जो आरएसएस के नाम से पेंशन मांगने की बात कर रहे हैं वो आरएसएस फर्जी है, मतलब अनरजिस्टर्ड है, उनका कहीं भी सरकारी कार्यालय में वजूद नहीं होने से वो उस संगठन के नाम से पेंशन मांग नहीं कर सकते। अगर उनकी पेंशन मांग पूरी हो जाती है और आपकी जो बात है उसको अगर सरकार दरकिनार करती तो अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति अभी कल से ही वो समविचारी हमारे आरएसएस से जो संबंधित लोग है, संगठन है, सामाजिक संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है, उनसे कांटेक्ट करके उनसे संपर्क करके हम हमारे आंदोलन की नई रणनीति तय करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयं संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून, इनका एक कहना है कि वे आंदोलन करेंगे और इसके लिए तमाम संगठन भी उनको सपोर्ट करेंगे। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच में जनता का कहीं नुकसान न हो और लोगों को न्याय मिले, यही समय की मांग है। संजय मीर, पीसी न्यूज़, नागपुर।